ये रख तेरी मुंह दिखाई। मैं जैसे ही तिहार से निकलकर बीएमडब्ल्यू कार में बैठी, पिंकी ईरानी ने 2000 रुपए के नोटों का बंडल मेरी तरफ फेंक दिया। वहां तक सुकेश चंद्रशेखर से तिहार जेल के स्पेशल रूम में मिली एक बॉलीवुड अभिनेत्री ने कोर्ट के सामने दर्ज बयान में यह कहा। वो हीरोइन मई 2018 में जेल में सुकेश से मिली थी। अभिनेत्री ने यह भी कहा कि सुकेश की सहयोगी पिंकी ईरानी उर्फ एंजल ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे एगी एयरपोर्ट पर एक स्कर्ट भी खरीद ली थी। वो स्कर्ट घुटने तक लंबी थी। पिंकी ने उसे यही पहनने को कहा था ताकि तिहाड़ जेल में वो लोगों की नजरें उस पर नहीं टिके। तिहार का नजारा देखते ही रो पड़ी हीरोइन। और इस बॉलीवुड हीरोइन ने अपने बयान में कहा कि वह तिहार में घुसी तो वहां का नजारा देखते हुए उसे रोना आ गया। जब वो रोने लगी तो पिंकी ने उससे कहा, अरे कुछ नहीं होगा, बस तुम नजरें झुकाकर चलते रहो ताकि सीसीटीवी में चेहरा नहीं आए। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की चार्जशीट में कहा गया है कि सुकेश चंद्रशेखर ने 2018 से जेल नियमों की धज्जियां उड़ाई और ब्लैकमेलिंग का लंबा खेल खेला। सुकेश से मिलीभगत के आरोप में सस्पेंड हुए संदीप कोयल 2019 में तिहाड़ के डीजी बने थे। खुशबू में सराबोर था सजा धजा। सुकेश चार्जशीट में दर्ज हीरोइन के बयान में कहा गया है, हमें तिहाड़ के रूम में काफी गैजेट्स के साथ ले जाया गया। एक व्यक्ति रूम में आया, मुझे बताया गया कि सुकेश चंद्रशेखर है। वह ब्रांडेड कपड़े और घड़ी पहने था। उसके बदन से परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। वह सिर से पांव तक सजा धजा था। हालांकि उसने खुद अपना नाम शेखर रेड्डी बताया। पिंकी ईरानी ने मुझसे कहा कि ये सन टीवी के मालिक और जयललिता तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत एआईएम के चीफ हैं। इन्हें ईवीएम हैक करने के आरोप में जेल आना पड़ा है। नोरा फतेही, गर्लफ्रेंड बनोगी तो लग्जरी लाइफ और बड़ा घर दूंगा। महाथक सुकेश पर नोरा फतेही ने किए शौकन खुलासे, तुम पर दिला गया है कहकर किस कर लिया। एक्ट्रेस ने आगे बताया, मैंने सबके सामने गुस्से से तमाकर उससे पूछा कि आखिर उसने मिलने के लिए मुझे तिहाड़ जेल क्यों बुलाया। उसने कहा कि उसका दिल मुझ पर आ गया और वह लंबे समय से मेरे सीरियल्स देख रहा है। मैंने उसे कहा कि मैं शादीशुदा हूं और मेरे दो बच्चे भी हैं, एक बच्चा तो 6 महीने का ही है। उसने कहा कि मेरे पति पहले ही सौदा कर चुके हैं, इसलिए वो सुकेश उसकी अभिनेत्री की जान बचाना चाहता है। हीरोइन की वो बातें कैसे जान गया सुकेश। इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने कहा कि सुकेश चंद्रशेखर ने उसकी अभिनेत्री की निजी जिंदगी के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही जो किसी को नहीं पता। अभिनेत्री ने कहा, उसके बाद सुकेश ने मुझे बाहों में जकड़ कर किस कर लिया, लेकिन मैं कमरे से निकल गई। जब मैं तिहाड़ से निकली तो एंजल ने मुझे 2 लाख रुपए दिए। पिंकी ने अपनी घड़ी भी मुझे दे दी। मुझे सुकेश ने आखिरी बार 23 दिसंबर 2018 को कॉल की थी। बीएमडब्ल्यू से तिहाड़ जाती थी। स्पेशल रूम में सुकेश से मिलने के मिलते थे 1.5 लाख रुपए। तीन हीरोइनों के कबूलनामे हैरान कर देंगे, मेरे पास तुम्हारे स्पेशल रूम का वीडियो है। 8 लाख दो। उस अभिनेत्री ने बताया कि कैसे उसके तिहाड़ में सुकेश से मिलकर मुंबई लौटते ही दो लोग उसे ब्लैकमेल करने लगे। उन दोनों ने अभिनेत्री से कहा कि वह स्पेशल रूम में सुकेश से मिली, उसका वीडियो उनके पास है, अगर वीडियो वायरल नहीं करवाना है तो 8 लाख रुपए दे दो। डर के मारे अभिनेत्री पैसे देने को तैयार हो गई और 3 लाख रुपए में डील हो गई। उधर अभिनेत्री ने जब इसकी शिकायत सुकेश और एंजल से करनी चाहिए तो दोनों कॉल ही नहीं उठाते। एक बार एंजल ने कॉल उठाकर जबरदस्त डांट पिला दी। पिंकी ने अभिनेत्री से कहा कि ऐसी बातों पर हंगामा खड़ा नहीं किया करे और खुद निपटा करे। पिंकी ने अभिनेत्री से कहा कि अब सुकेश या उसे फोन